हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल गेट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है इंजीनियरिंग साइंस या साइंस का, जो कि डील करता है इनर्जी इंट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब देखो, ये ब्रांच है साइंस का विद इनर्जी इनर्जी इंट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डील्स इनर्जी इंट्रैक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब इनर्जी इंट्रैक्ट करेगा, उसका इफेक्ट सिस्टम और सराउंडिंग पे, मतलब उसका इफेक्ट सिस्टम और सराउंडिंग पे क्या होगा। तो सबसे पहले अब देखो, अब इसमें नेक्स्ट अपना आ गया सिस्टम और सराउंडिंग। अब से देखते हैं सिस्टम और सराउंडिंग क्या है। देखते हैं, चलिए सिस्टम देखते हैं। सिस्टम जैसे ये भी कोई एक, ये देखो, जैसे अपना ये कोई भी, जैसे ये इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में अपन लेथ मशीन पे स्टडी कर रहे हैं। तो लेथ मशीन अपना क्या हो गया, लेथ मशीन अपना क्या हो गया, सिस्टम हो गया। और लेथ मशीन के बाद इंडस्ट्री में जितना चीज़ हो गया, वो उसको छोड़ के सारा चीज़ सराउंडिंग, एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम इज सराउंडिंग। तो मतलब ये हो गया अपना सराउंडिंग सराउंडिंग ये हो गया अपना सिस्टम। अब दोनों को जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा, तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा, ये जो लाइन है, एक लाइन मतलब ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन है इसको दोनों को सेपरेट करेगा सिस्टम और सराउंडिंग को, उसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री। क्या क्या होता है, ये कभी कभी बाउंड्री तो फिक्स्ड भी होगा, मूवेबल भी होगा, इमेजिनरी भी होगा, इमेजिन कर लेंगे अपन। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके देखें और उसका डिफिनेशन जैसे पॉज कर करके अपने कॉपी पे शेयर कर सकते हैं। अब देखो, जैसे सराउंडिंग बोले, सिस्टम को छोड़कर जितना भी है सराउंडिंग, एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम इज नॉन एज सराउंडिंग। अब देखो, सिस्टम क्या हुआ, द ऑब्जेक्ट और प्लेस वेयर आवर स्टडी इज फोकस, मतलब जिस पे अपन स्टडी फोकस करेंगे उसको बोलेंगे सिस्टम। और दोनों को जो सेपरेट करेगा, सेपरेट फ्रॉम सिस्टम से सराउंडिंग, नॉन एज बाउंड्री। बस यही डिफिनेशन हो गया इसको। अब देखो, इसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम देखिए। अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम कितना, पहले देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, एक होता है अपना ओपन सिस्टम, दूसरा हो गया आपका क्लोज्ड सिस्टम, तीसरा हो गया आपका आइसोलेटेड सिस्टम। देखते हैं इसमें कौन सा सिस्टम, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियरली ध्यान देना, समझना कैसे सिस्टम कैसे समझना है। अब देखो, ओपन सिस्टम ऐसा होगा, इट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच द वर्क और हीट बोथ वे ट्रांसफर। इसमें जिस ऐसा सिस्टम जिसमें वर्क और हीट दोनों ट्रांसफर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, ये मास होगा,
मास और हीट, ऐसा सिस्टम जिसमें मास और हीट दोनों ट्रांसफर हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का आपके एग्जांपल ले लो ऐसी इंजन का जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है विथ वेल्व, इसमें देख आपको इस ऐसी इंजन का जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया, इसमें इनलेट आउटलेट, इधर से मास इन होगा उधर आउट होगा, इनलेट वेल्व आउटलेट वेल्व, तो इधर ये हो गया आपका एग्जांपल। उसके बाद क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या होता है मास ट्रांसफ़र नहीं होगा और हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे द सिस्टम इन विच मास इज नॉट ट्रांसफर बट हीट इज ट्रांसफर इन नॉन एज क्लोज सिस्टम। अब देखो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल आपका चलो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को ही ले लो विदाउट वेल्व, इसमें क्या था इनलेट वेल्व और एग्जिस्ट वेल्व था, इसमें वेल्व नहीं होगा, तो ये सिस्टम कौन सा हो जाएगा क्लोज सिस्टम। अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम, अब तीसरा देखते हैं आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें द सिस्टम इन विच वेयर नाइदर मास ट्रांसफ़र और नॉट हीट ट्रांसफ़र, मतलब इसमें ना मास का ट्रांसफ़र होगा ना हीट का, तो उसको उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल जैसे आप आइसोलेटेड सिस्टम द थर्मस ले लो, जैसे वाटर थर्मस, वाटर बोतल जो होता है कप कॉफी थर्मस ले लो, थर्मस में क्या होता है उसमें ना मास ट्रांसफ़र होता है ना हीट का ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए तो उसमें जैसे उसमें कॉफ़ी रखते हो तो वो गर्म रहता है, वही तो उसको वो हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एग्जांपल क्या हो गया इंसुलेटेड थर्मस हो गया आपका, इंसुलेटेड थर्मस। फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें, देखो ओपन ओपन सिस्टम अपना क्या है, ओपन सिस्टम द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच वो मास एंड हीट बोथ आर ट्रांसफर्ड इज नॉन एज ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम का एग्जांपल देख लो, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वेल्व, इसमें इसका एग्जांपल क्या होगा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वेल्व हो गया, उसके बाद टरबाइन ले लो, कंप्रेसर ले लो, ये सब आपका एग्जांपल हो गया। दूसरा आपका हो गया क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्लोज सिस्टम उसको देखो इट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच मास इज नॉट ट्रांसफर बट हीट इज ट्रांसफर इन नॉन एज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में अपन एग्जांपल तो ले लिए विदाउट पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वेल्व, इसमें मतलब वेल्व नहीं होगा। उसके बाद देखो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या नाइदर मास ट्रांसफर नॉट हीट ट्रांसफर इन नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एग्जांपल इंसुलेटेड थर्मस हो गया। देखो आइसोलेटेड सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल अपना यूनिवर्स है, यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यूनिवर्स जो अपना है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें ना हीट ट्रांसफर होता है ना आइसोलेटेड एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम में भी एग्जांपल दे दोगे यूनिवर्स तो ये बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी, इसमें देखते हैं प्रॉपर्टी में क्या, प्रॉपर्टी होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना सिस्टम का उसी को बोलते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इज नॉन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम को क्या बोलेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम इज नॉन एज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। अब देखो प्रॉपर्टी टू टाइप्स का होता है अपना, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और अपना दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट पार्ट में इसको वीडियो अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।